मैं YouTube चैनल भी टॉपिक अपडेट भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं पूरे यानी कि 2023 के जनवरी के जितने भी ऑनलाइन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करेंट के, और वो भी स्पीडी बुक से मैं कवर कर रहा हूँ, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके सभी एग्ज़ाम के लिए। तो आइए एक एक करके देखते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट। आज मैं पूरा जितने भी जनवरी के हैं क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे एक वीडियो में। तो आइए बात करते हैं 1 जनवरी, यहाँ 1 जनवरी से स्टार्ट है। तो याद रखिए 1 जनवरी 2023 के 22 को वर्ष 2022 के लिए किसको एकलव पुरस्कार, यानी यहाँ 23 होगा, 23 के लिए जो है एकलव पुरस्कार दिया गया। तो देखिए एकलव पुरस्कार किस में दिया जाता है, किस खेल में, तो ये पंकज अडवाणी को दिया गया। और ये किस क्षेत्र में है, पंकज अडवाणी का संबंध शतरंज से है, तो शतरंज खिलाड़ी पंकज अडवाणी है, तो इनको एकलव पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है यूरो, यूरो क्या है, एक मुद्रा है, यूरो एक आधिकारिक मुद्रा है, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। तो ये जो है यूरो जो है कौन से कंट्री अभी अपनाया है, तो यूरो जो है अपनाने वाला ये जो है 20वां देश बन गया है, क्रोएशिया बन गया है। क्रोएशिया कौन सा देश है, तो 20वां देश बन गया है यूरो को अपनी मुद्रा अपनाने के लिए वाले। आगे हैं $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो देखिए एलोन मस्क जो है दुनिया के अभी सबसे ज़्यादा यानी कि $200 मिलियन संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। और बात कर ले ट्विटर को, अभी हाल ही में एलोन मस्क ने $44 बिलियन में खरीदा था, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे हैं 2 जनवरी 2023 को पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं, तो देखिए ये जो है अभी अल नसार एक फुटबॉल क्लब है, इनसे पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, इसका संबंध किस देश से ये पूछ लिया जाता है। तो रोनाल्डो का जो है संबंध पुर्तगाल से है और ये अल नसार फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं। बात कर लें भारत के 78 ग्रैंड मास्टर अभी कौन बने हैं, तो कौस्तुभ चटर्जी हैं जो 78 नंबर के बन गए हैं ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर किस चीज़ के होते हैं, तो शतरंज के होते हैं। आगे हैं पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य ने में की गई है, तो देखिए गुजरात राज्य में ये स्टार्ट किया गया और ये पशुओं के लिए भारत में पहले हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे हैं कलासा बंडूरी परियोजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है, परियोजना पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा ये कलासा क्या है, बंडूरी परियोजना है, कलासा बंडूरी परियोजना है, ये कर्नाटक सरकार द्वारा या सॉरी केंद्र सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है और कर्नाटक से स्टार्ट किया गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे हैं मैथिली ठाकुर का संबंध बिहार से है, ये भी याद रखिएगा। तो इसे क्या किया है, स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है, तो चुनाव आयोग ने क्या किया है, मैथिली ठाकुर जो है इनको बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है, ये हाल के एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हैं 3 जनवरी 2022 के 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो 108वें नंबर का है ये, और ये क्या है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है नागपुर में, ये किया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नागपुर में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। आगे बात कर लें DRDO, तो DRDO की स्थापना की बात कर लें, तो ये इस बार 65वां इसका जयंती स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये जो है कब DRDO का, सबसे पहले आप ये डेट याद रख लीजिए ये कब स्थापित हुआ था, तो ये 1 जनवरी 1958 को, यानी कि 1958 को ये स्थापना हुआ था, और इस बार ये जो है 2023 में 65वां स्थापना दिवस इसका मनाया गया। आगे है 3 जनवरी 2023 को रेलवे ने कब शून्य कार्बन उत्सर्जित करने का लक्ष्य रखा है, तो याद रखिए अभी हाल ही में भारत भी जो है 2070 तक शून्य उत्सर्जन कार्बन करेगा, तो इस दौड़ में सभी जितने भी अपने सेक्टर हैं उनका भी एक लक्ष्य होता है, तो रेलवे का ये लक्ष्य जो है 2030 तक ये शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य हासिल कर लेगा, तो ये याद रखिएगा। आगे हैं 3 जनवरी 2023 को
विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो विंटेज वाहनों के लिए एक अलग सा पंजीकरण होगा, तो ये ओडिशा में, ओडिशा के लिए क्या किया है, जो भी विंटेज वाहन होते हैं उनके लिए अलग से पंजीकरण करने का लक्ष्य रखते हैं भाई। हाँ, तो अब आगे हैं, आगे क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2023 को किसकी 192 जयंती मनाई गई? तो देखिए 192 नंबर की जयंती है और ये है सावित्री बाई फूले का 3 जनवरी को 192 जयंती मनाई गई। आगे है भारत पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत पे का सीईओ न्यू नियुक्त हुआ है, तो जो भी नियुक्त होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, एसएससी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ नियुक्ति से पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से रहते ही हैं, तो आप याद रखिएगा भारत पे का जो सीईओ है ये नलिन नेगी बनी है, भारत पे नलिन नेगी इस तरह याद रखिएगा, ये कौन है, सीईओ बने हैं अभी हाल ही में। आगे हैं 4 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो देखिए संपर्क क्रांति जो है ये काफ़ी अच्छी ट्रेन है और हर मतलब जैसे दिल्ली से पटना से दिल्ली है तो इस तरह नागपुर से अहमदाबाद और मुंबई से भी नागपुर, इस तरह ये सारे ट्रेन संपर्क क्रांति के नाम से चलती है। तो हाल ही में ये क्या किया गया है, अहमदाबाद और दिल्ली के बीच जो चलती है अक्षरधाम एक्सप्रेस मतलब संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, इसका नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो याद रखिएगा अक्षरधाम से, अक्षरधाम दिल्ली में भी एक मंदिर है लेकिन सबसे बड़ा मंदिर और पुराना जो प्राचीन मंदिर है उसकी बात करें तो ये अहमदाबाद में है, तो ये याद रखिएगा, ये अक्षरधाम मंदिर डायरेक्ट एसएससी में पूछ लिया जाता है ये मंदिर कहाँ है, तो दिल्ली मत लगाइएगा, ये पुराना है मतलब ये न्यू है, लेकिन पुराने वाली बात करें तो ये अहमदाबाद गुजरात में। आगे हैं गान नगाई उत्सव की बात कर ले, तो गान नगाई उत्सव मनाया गया है तो मणिपुर में, ये उत्सव एसएससी में काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक्स पूछा जाता है जैसे उत्सव लोक नृत्य, तो इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट जो लोकल लैंग्वेज होती है उस वो नाम डाल दिया जाता है, तो ये गान नगाई उत्सव जो है मणिपुर का लोकल उत्सव है, तो ये याद रखिएगा गान नगाई। आगे 4 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने परसेंट हो गया है? तो देखिए बेरोजगारी दर की बात कर लें दिसंबर में तो 8.3% हो चुका है, तो याद रखिएगा 8.3% की बात करें तो 2022 के लास्ट दिसंबर तक इतनी बेरोजगारी दर बढ़ी है। आगे हैं सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला की बात कर लें, तो महिला अधिकारी की बात कर लें तो कौन है, तो शिवा चौहान है, ये सबसे ज़्यादा सियाचिन जो है सबसे ऊँचा युद्ध क्षेत्र है भारत का, तो याद रखिएगा इसमें शिवा चौहान, तो याद रखने के लिए आप यहाँ से ट्रिक कर सकते हैं कि शिवजी हिमालय पर ही अंग्रेजवान होते हैं, तो ये पहली महिला है जो शिवा चौहान नाम है और सियाचिन पर तैनात हुई हैं। आगे हैं 4 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो देखिए ये मटिया बाग हवा महल जो है ये असम में राज्य सरकार ने अधिग्रहण किया है। आगे हैं द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो देखिए संविधान उद्यान का डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन इसका उद्घाटन किया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जो इसका संविधान उद्यान का उद्घाटन किया, और इसका संबंध मतलब किस राज्य में है, तो ये राजस्थान में है और राजस्थान के कहाँ, जयपुर में, तो पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है, ये भी याद रखेगा। और बात कर ले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबंध पूछे किस स्टेट से, तो इसका जन्म उड़ीसा में हुआ है लेकिन ये राज्यपाल झारखंड के रह चुके हैं। आगे हैं और ये किस समुदाय से हैं, तो ये भी याद रखेगा मुंडा समुदाय से हैं। आगे हैं 5 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे बेरोजगारी दर अधिक है? तो अभी भारत की टोटल बात कर लिया था 8.3% दिसंबर में बढ़ी थी, लेकिन हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है, ये भी याद रखिएगा। 5 जनवरी 2023 को किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? तो देखिए नेपाल में हुआ है पोखरा एक जगह है नेपाल में, तो वहाँ पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, और इसमें कौन से, तो चीन ने सहयोग किया है नेपाल, तो ये भारत के लिए थोड़ी सी मतलब असंतोष की बात है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं नेपाल वो चीन के सहयोग कर रहे हैं, तो उनसे सहयोग ले रहे हैं।
तो ये पोखरा इंटरनेशनल नेपाल में है और इनका सहयोग कौन किया है, चीन ने किया है। आगे है क्वेश्चन, 5 जनवरी 2023 को किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है, तो ये केरल राज्य में बनी है। वॉल ऑफ पीस म्यूरल की बात कर लें तो केरल राज्य में बनाया गया है। 5 जनवरी 2023 को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य, तो कौन से राज्य है जो सरकार एक वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी, तो देखिए ये ओडिशा राज्य है जो एक साल के लिए क्या करेगी, मुफ्त चावल वितरण करेगी। आगे हैं 5 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है, तो दीदी से याद कर लीजिएगा ममता बनर्जी की बात कर लें तो ये कहाँ की सीएम है, ये पश्चिम बंगाल की सीएम है और दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है यहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने। आगे हैं 6 जनवरी 2023 को जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ है, तो ये किस चीज़ पे है, तो जल जो हमारे वाटर है उसके संबंधित है, ये है अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन है। इसकी बात कर ले आयोजन, तो ये भोपाल में आयोजन किया गया है। भोपाल कहाँ है, तो भोपाल है एमपी में पड़ता है, तो ये भोपाल कहाँ पड़ता है, एमपी में, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और बात कर लें एमपी की बात आई तो एक और चीज़ आप याद रख लीजिए, सबसे स्वच्छ शहर की बात कर लें तो 6ठी बार ये पुरस्कार इंदौर जो है भोपाल में मध्य प्रदेश में पड़ता है जिसे ये पुरस्कार मिला है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हैं G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया है, तो आप लोग को पता होगा G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रही है, तो इस बार जितने भी इवेंट तो होंगे ये भारत में ही होंगे, तो ये पहली अध्यक्षता जो है आयोजन हो गया है, मतलब बैठक हो चुका है पहला, तो ये पुडुचेरी में रखा गया था, पहला हो चुका है। आगे बात कर लें 6 जनवरी 2023 को कहाँ विश्व का पहला ताड़ के पेड़ का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया, तो ये क्या है, तार जो पेड़ होते हैं उनका संग्रहालय खोला गया और ये केरल में खोला गया है, तो ये याद रखिए। और ये विश्व का पहला तार के पत्ते का जो है पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है, तो ये विश्व का पहला है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये याद रखिएगा। आगे है रत्न एवं आभूषण परिषद, ये क्या है, रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन चुने गए, तो चेयरमैन नियुक्त हुआ है रत्न एवं आभूषण परिषद के, इसकी बात कर लें तो संजय मेहरा ये इनके चेयरमैन चुने गए हैं। आगे हैं 6 जनवरी 2023 को भारत किस देश को पीछा छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाज़ार बन गया है, तो देखिए भारत जो है जापान को पीछे छोड़कर और तीसरे नंबर पर आ गया किस क्षेत्र में, तो ऑटो बाज़ार यानी कि ऑटो बाज़ार के क्षेत्र में ये तीसरे नंबर पर भारत पहुंच गया है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे हैं 6 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री की बात कर लें तो अमित शाह हैं अभी गृह मंत्री, उन्होंने क्या किया, 120 फीट ऊंचे पोलो की प्रतिमा जो है उसका उद्घाटन किया है, तो ये प्रतिमा मणिपुर में कहाँ है, ये तो मणिपुर में अमित शाह ने क्या किया है, 120 फीट ऊंचे पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, अभी प्रतिमा जो लेटेस्ट होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। आगे हैं 6 जनवरी 2023 को किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है, तो याद रखिएगा बंधन बैंक जो होते हैं उसी के नाम पर हैं, तो जहां बंधन वहां ट्रस्ट, तो यह अभियान बंधन बैंक द्वारा स्टार्ट किया गया है। बात कर लें 79 नंबर के ग्रैंड मास्टर की बात कर लें तो प्रनोस एस थे, 78 नंबर के अभी हम डिस्कस किए थे ग्रैंड मास्टर, और 79 भी हो चुके हैं जनवरी मंथ में ही, तो प्रनेस एस हैं जो 79 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। आगे बात कर लें 7 जनवरी 2023 को किस राज्य ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है, तो जाति को सर्वेक्षण की बात कर लें तो बिहार में क्या किया गया है कि जाति आधारित जनगणना स्टार्ट किया गया है, तो अभी हाल ही में हाईकोर्ट ने इसे रोक भी लगा दिया था, तो ये भी एक चर्चा में था, तो याद रखिएगा स्टार्ट कहाँ हुआ है, तो बिहार में स्टार्ट हुआ था। आगे हैं एशियाई
प्रांत डाक संघ जो भी एशियाई प्रशांत डाक संघ है के महासचिव के रूप में किसे कार्यभार संभाला। नियुक्ति काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, टिक लगा कर आप इसे नोट डाउन भी करके लिख लीजिएगा। तो बात कर ले एशियाई प्रशांत डाक संघ की बात कर लें तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है, महासचिव बन गए हैं एशियाई प्रशांत डाक संघ के। महासचिव की बात कर लें तो विनय प्रकाश सिंह बने हैं। आगे हैं बेली सस्पेंशन ब्रिज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेली सस्पेंशन ब्रिज की बात कर लें तो ये इसका उद्घाटन हुआ है और ये कहाँ स्थित है तो ये जम्मू कश्मीर में आपको मिलेंगे। बेली सस्पेंशन ब्रिज की बात कर लें तो ये जम्मू कश्मीर में है और इसका हाल ही में क्या हुआ है, उद्घाटन किया गया है। आगे बात कर लें पर्पल फेस्ट, पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया, तो देखिए पर्पल फेस्ट की बात कर लें तो गोवा में पर्पल फेस्ट कहाँ होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी के थ्रू, ये एसएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एसएससी में ऐसे ही क्वेश्चन जैसे कि फेस्टिवल, लोकल सॉन्ग, लोकल नृत्य, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पर्पल फेस्ट जो अभी है हाल ही में गोवा में आयोजन किया गया है। आगे है 8 जनवरी 2023 को किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो ये बात कर लें केविन मैकार्थी। केविन मैकार्थी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है अमेरिका का, यूएसए के, इसमें आप इसे राष्ट्रपति अभी बता दीजिएगा कमेंट करके कौन है, और ये जो है केविन मैकार्थी ये बने हैं अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आगे हैं 8 जनवरी को सूचना अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो देखिए कोलकाता में इसका आयोजन हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप के पहली बैठक का आयोजन कोलकाता में किया गया है। 8 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है, तो 8 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की बात कर लें तो ये अपना ग्लोबल पार्टनर के रूप में जेएसडब्ल्यू को क्या गया है, अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है। आगे क्वेश्चन है ओड कुझल ये पुरस्कार का नाम है और ये किस लेखक को दिया गया है, बात कर लें ये लेखक हैं अविंका सुथन मंगल ये हैं और इसे फुकंड ओडकुलझन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये एक राइटर है ये भी याद रखिएगा। 8 जनवरी 2023 को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार की बात कर लें तो ये आपको जलना तथा नागपुर को ये दिया गया है, ये क्या है सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार नागपुर को दिया गया है, ये याद रखिएगा जलना तथा नागपुर को। आगे हैं 8 जनवरी 2023 को रेलवे स्टेशन को FSSAI फसाई जो होते हैं इनका ईट राइट स्टेशन का प्रमाण मिल गया है, सबसे अच्छा जो होते हैं खाना फूड जो होते हैं रेलवे के द्वारा फसाई के द्वारा एक दिया जाता है टैग, तो ये वाराणसी कैंट को ये सबसे अच्छी फूड राइड के लिए ये दिया गया है, तो ईट राइट स्टेशन है सबसे अच्छा वाराणसी कैंट किसमें फसाई के क्षेत्र में, यानी कि खाने की चीज़ें जो हैं सबसे अच्छी क्वालिटी की मिलती है, गुणवत्ता अच्छी होती है। आगे बात कर लें चेरचेरा महोत्सव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बात कर लें ये कहाँ मनाया जाता है, तो चेरचेरा महोत्सव की बात कर लें तो ये छत्तीसगढ़ में चेरचेरा महोत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे हैं 9 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा, तो डी वाई चंद्रचूड़ की बात कर लें तो ये कौन है इसे आप कमेंट करके बताइए, ये 49 नंबर के थे, मैं हिंट दे रहा हूँ आप इसे कमेंट करके बताइएगा ये किसके क्या मिला है अवार्ड और ग्लोबल लीडरशिप का अवार्ड मिला है। आगे हैं 9 जनवरी 2023 को उस्मानाबाद जिला में अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है, तो उस्मानाबाद जिला जो है का अदालत किस राज्य की, मतलब ये पूछा जा रहा है इस तरह की जो उस्मानाबाद जिला है किस राज्य में है जहाँ का जो अदालत है इसे ई कोर्ट
बन गया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट बन गया है जहाँ अब सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। तो इसकी बात कर लें तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। आगे हैं, बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी चयन समिति का अध्यक्ष, बीसीसीआई का अध्यक्ष की बात कर लें तो अभी कौन है? रोजर्स बिन्नी है, लेकिन ये चयन जो इंडिया टीम को चयन करते हैं उसकी अध्यक्ष की बात कर लें तो चेतन शर्मा को बनाया गया है चयन समिति के अध्यक्ष। आगे हैं, 9 जनवरी 2023 को मंत्री मोनिका सिंह को किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो देखिए, ये अमेरिका के न्यायाधीश के रूप में अभी शपथ ली है। बात कर ले कौन है, तो मनप्रीत मोनिका सिंह, तो ये अमेरिका के क्या है, न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। आगे हैं, 9 जनवरी 2023 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो राजमौली की बात कर लें तो आरआर मूवी इसी का है जिसे अभी ऑस्कर पुरस्कार से दिया गया था। बात कर ले आरआर मूवी की तो ये राजमौली उनके निर्देशक है और इसे हाल ही में ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं, 9 जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसके मुख्य अतिथि के रूप में बात कर लें तो ये अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 9 जनवरी को पूछ लिया जाता है कि क्या है, तो प्रवासी भारतीय दिवस जो होते हैं ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल इसका आयोजन इंदौर शहर में किया गया और इंदौर शहर में इसके मुख्य अतिथि के रूप में बात कर लें तो गुयाना के राष्ट्रपति थे जिनका नाम है मोहम्मद इरफान, डॉक्टर मोहम्मद इरफान। बात कर लें इस बार इसके थीम क्या रही, तो इसके थीम थे डायस्पोर यानी कि अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्व सदनीय भागीदार। तो इस थीम के साथ यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मनाया गया। इंदौर की बात कर लें, स्वच्छ सर्वेक्षण में इस बार स्वच्छ शहर की जो है छठी बार विजेता बने हैं। सबसे स्वच्छ शहर की बात कर लें तो इंदौर ही है। आगे हैं, 9 जनवरी 2023 को किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लिया है? तो संन्यास की बात कर लें तो सानिया मिर्जा ने अभी हाल ही में टेनिस खिलाड़ी थे जिन्होंने अभी संन्यास ले चुका है। तो आगे है, 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, वहीं 10 जनवरी की बात कर लें तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस की बात कर लें तो 10 जनवरी वही बात कर लें, ये तो विश्व हैं और एक होते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो कमेंट करके आप बताइए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आगे हैं, 10 जनवरी 2023 को किस राज्य ने जागा मिशन GAGA मिशन को UNA हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो देखिए, ये जागा मिशन जो है ओडिशा का है और ये इसे UN यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया जाता है जो जागा मिशन को प्राप्त हुआ है। आगे क्वेश्चन है, पतंग राव कदम पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो ये आधार पुणे वाले जो काफ़ी अभी चर्चा में रहे हैं तो इनके बारे में आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये काफ़ी एक बिजनेसमैन के रूप में थे तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा और ये पतंग राव कदम पुरस्कार इसे दिया गया है। आगे हैं, 10 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर ड्वेन पिटेरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ड्वेन पिटेरियस की बात कर लें तो ये है दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे जो अभी हाल ही में संन्यास का घोषणा कर दिया है। 10 जनवरी 2023 को नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है NC चनाड़िया, यह है AC चनाड़िया जो नासा के क्या है, मुख्य प्रौद्योगिकीविद हैं। 10 जनवरी 2023 को दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ यानी कि ICC द्वारा हर मंथ एक अवार्ड दिया जाता है, मंथ अवार्ड। तो इस लिस्ट में दिसंबर 2022 की बात कर लें तो हैरी ब्रूक को मिला और वहीं बात कर लें लेडीज़ में तो एस्ने गार्डनर एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं
तो एसले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं जिन्हें अभी प्लेयर ऑफ द मंथ 2 दिसंबर में दिया गया 2022 का। आगे हैं 10 जनवरी 2023 को देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज कौन सा बन गया है। तो ये केरल के बैंक जो हैं ये डिजिटल बैंकिंग यानी कि जितने भी इसमें वर्किंग होंगे वो सारे ऑनलाइन प्रोसेस से होंगे। 11 जनवरी 2023 को किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए जयपुर फिल्म फेस्टिवल जो है अर्पणा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और ये कहाँ आयोजन हुआ था, तो जयपुर में ये आयोजन किया गया था। आगे हैं 11 जनवरी 2023 को डीआरडीओ ने कहाँ कम दूरी की ब्लास्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकेंड का सफल परीक्षण किया गया। तो देखिए डीआरडीओ द्वारा अधिकतर परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से ही किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ था और जनवरी में 65वां ये स्थापना दिवस इस साल फेस में मनाया है जनवरी में, तो ये भी याद रखिए। ये क्या है, कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल जो है पृथ्वी सेकेंड का सफल परीक्षण किया है ओडिशा से। 11 जनवरी 2023 को किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो देखिए ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है द कश्मीर फाइल। तो कश्मीर फाइल काफ़ी चर्चा में था, जहां कश्मीर फाइल की मूवी में वहां कश्मीरी पंडित के बारे में बताया गया था, तो इसे शॉर्ट लिस्ट किया है 2023 के ऑस्कर के लिए। आगे हैं 11 जनवरी 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर है और ये रिपोर्ट आई है 2022 में। आगे हैं 11 जनवरी 2023 को एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने परसेंट हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है। तो एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में 7% जो अपना हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया गया है अभी हाल ही में, ये जनवरी मंथ में किया गया है। 11 जनवरी 2023 को 13वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है। तो ये पिंक सिटी जयपुर में 83 नंबर का है और अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है, ये आयोजन हुआ है हाल ही में 11 जनवरी को। आगे हैं 11 जनवरी 2023 को जारी हैंडल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन से देश शीर्ष पर रहा। तो याद रखिएगा जापान लगातार कुछ सालों से टॉप पर रहती है हैंडल पासपोर्ट इंडेक्स में। वही बात कर लें भारत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, रैंक भारत की बात कर लें तो 85 नंबर पे अपना भारत इसमें है। आगे है 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 12 जनवरी की बात कर लें तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो कमेंट करके बताइएगा राष्ट्रीय युवा दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं 12 जनवरी 2023 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो हुआ था 9 जनवरी को मनाया हुआ था और इंदौर शहर में हुआ था, तो उसमें एक पुरस्कार भी दिया गया। तो उस पुरस्कार की बात कर लें तो थिरु एस नदेशन को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 12 जनवरी 2023 को किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के स्कूल में क्या किया है कि यहाँ पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है। इसलिए किया गया है कि वहाँ पंजाबी बोलने वाली संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ की मांग थी पंजाबी लोगों की, तो उस स्कूल में ऑस्ट्रेलिया के स्कूल में कुछ स्कूलों में शामिल कर लिया गया है पंजाबी लैंग्वेज को। आगे हैं फेसबुक पेरेंट्स कंपनी है मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। नियुक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है तो इसे टिक कर लीजिएगा। तो ये है विकास पुरोहित को मेटा, जो फेसबुक का अभी नाम चेंज हुआ था मेटा कर दिया गया है, ने इसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे हम 12 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने
सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। तो त्रिपुरा सरकार ने क्या किया है, सहर्ष के संबंध के बात कर ले किससे है, तो शिक्षा कार्यक्रम से है। 12 जनवरी 2023 को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना अभी के तहत कुमार कोम एवं बोपेर किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल राज्य में स्थित है। ये चयनित किए गए हैं 2.0 योजना स्वदेश दर्शन के लिए। आगे 12 जनवरी 2023 को सुखई लड़ाकू विमान उड़ने वाली भारत की पहली महिला फाइटर, यानी कि सुखई को जो उड़ाने वाली है, जो पायलट है वो महिला है। तो बात कर ले पहली महिला की बात है, तो अवनी चतुर्वेदी कौन है, तो सुखई उड़ाने वाली पहली महिला है। याद रखिएगा, ये पहली महिला है जो लड़ाकू विमान उड़ाने वाली बनी है। 12 जनवरी 2023 को किस देश के कप्तान हुगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है, तो हुगो लोरिस की बात कर लें तो ये फ्रांस के फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, और अभी हाल ही में फ्रांस क्या है, फीफा के वो विजेता रहे हैं। तो इसी फ्रांस के खिलाड़ी हैं एम्बापे, जिन्हें गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था। तो एम्बापे को गोल्डन बूट का अवार्ड मिला था, और वहीं जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे मेसी, जिन्हें गोल्डन ग्लोब का अवार्ड मिला है, और विजेता टीम अर्जेंटीना थे फीफा के, और वहीं बात कर लें वो विजेता फ्रांस थे। तो इनके कप्तान थे हुगो लोरिस, जो हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दिया है। आगे है बाजरा उत्सव बात कर लें तो यह गांधीनगर गुजरात में मनाया गया है। बाजरा उत्सव इसलिए इस साल मनाया गया कि 2023 मोटे अनाज का वर्ष है, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बाजरा उत्सव कहाँ मनाया गया, तो गांधीनगर गुजरात में मनाया गया है। आगे 13 जनवरी 2023 को कांगिन जेंड ने किसे सीईओ अपना सीईओ नियुक्त किया है, तो यह है रवि कुमार एस कांगनी जेंट के नए सीईओ बने हैं। 13 जनवरी 2023 को पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 को पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है, तो यह है 20% एथेनॉल मिलाने का घोषणा किया है 1 अप्रैल 2023 से। आगे है 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है। बात कर लें ये डिब्रूगढ़, यानी डिब्रूगढ़ कहाँ है, असम में है, तो वाराणसी से असम सबसे लंबी है गंगा विलास जैसे इनका नाम है, और ये दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है, जो हाल ही में मोदी द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। 13 जनवरी 2023 को भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग, ये छात्रों द्वारा संचालित किया गया था उत्सव फेस्टिवल जो है सारंग, और किस ITI द्वारा शुरू किया गया था, तो ये ITI के स्टूडेंट के द्वारा स्टार्ट किया था, और ये बात कर लें तो ITI मद्रास हाल ही में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। सारंग ये IIT मद्रास द्वारा स्टार्ट किया गया था। 14 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कहाँ किया जाएगा, तो ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र की बात कर लें तो ये शिलोंग, मेघालय के शिलोंग में ये स्थापित किया जाएगा। आगे है 14 जनवरी 2023 को फलक मुमताज ने 23वीं इंटरनेशनल चैम्पियनशिप 23 नंबर की चैम्पियनशिप जो है ये पदक जीत लिया है, तो इसमें कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक बात कर लें तो पलक मुमताज है जो 23वीं इंटरनेशनल एसके चैम्पियनशिप का पदक यानी किताब जीत लिया है, यह स्वर्ण पदक जीता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नाम की बात कर लें तो पलक मुमताज है। आगे 14 जनवरी 2023 को UN की COP28 जो जलवायु वार्ता होती है के नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है, तो यह है सुल्तान अल जबेर जो UAE के हैं, ये इसका नेतृत्व करेंगे सुल्तान अल जबेर जो कहाँ के हैं, UAE के हैं। बात कर लें ये क्या है, COP28 एक जलवायु के सम्मेलन होती है। आगे हैं 14 जनवरी 2023 को किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का
18वां संस्करण प्रकाशित किया है। तो बात कर लें WEF, यह है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है। आगे 14 जनवरी 2023 को BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी की बात कर लें तो सुरभि जकमोला है। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी की बात कर लें तो सुरभि जकमोला। आज हम महिला की बात कर लें तो तीन इंपॉर्टेंट आए हैं, एक चतुर्वेदी आई, एक शिवा चौहान और एक सुरभि जकमोला। तो तीनों आप कमेंट करके बताइएगा कौन किस क्षेत्र में थे। आगे हैं 14 जनवरी 2023 को अभिनव 5G उपयोग मामले में जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का कौन सा जिला बन गया है। तो देखिए विदिशा जो है ये जिला बन गया और ये 5G उपयोग मामले में जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। आगे हैं आप लोग इसे कमेंट करके बताइए 5G का जो स्टार्ट हुआ है गुजरात से हुआ तो गुजरात के किस जगह से हुआ है ये भी बताइएगा और किसने किया था। 14 जनवरी 2023 को 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो 15वें विश्व कप हॉकी जो है का उद्घाटन उड़ीसा के कटक से किया जाएगा, ये उद्घाटन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे 14 जनवरी 2023 को किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप को अंत करने की घोषणा की है। तो इबोला की बात कर लें तो ये युगांडा देश है और प्रकोप को अंत करने की घोषणा कर दिया है। 15 जनवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया। तो याद रखिएगा 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना दिवस की बात कर लें तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। आगे हैं 15 जनवरी 2023 को किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक गोल्डन पीकॉक सी एस आर अवार्ड जीता है। तो ये जिंदल स्टील जो है उनको गोल्डन पीकॉक सी एस आर अवार्ड दिया गया है। 15 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने देश भर में 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का योजना बनाया है। तो EV यानी कि इलेक्ट्रिक वोल्ट जो है चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने वाला टाटा पावर है जो कितने 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करेंगे, क्योंकि सभी अभी जितने भी कार होते हैं या बाइक होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं तो उसे चार्जिंग करना पड़ता है। तो चार्जिंग करने के लिए ये टाटा पावर कंपनी ने 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का एक योजना बनाई है। आगे है 15 जनवरी 2023 को किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़े के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किए हैं। तो AI अभी काफ़ी चर्चित है तो इन पे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहने वाला। जो MIT जो है ये जो क्या है वैज्ञानिक ने एक ऐसा MIT निकाला है जिसके थ्रू कैंसर के फेफड़े का जो कैंसर है उसका पहले अनुमान लगाया लेगा। आगे बात कर लेते हैं 15 जनवरी 2023 को किसने अमेरिका के कंपास राज में सीनेट के रूप में शपथ ली है। तो उषा रेड्डी की बात कर लें तो ये क्या है, ये है अमेरिकी अमेरिका के कंसॉन्स राज में सीनेट के रूप में शपथ लिया है। आगे 15 जनवरी 2023 को किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने के लिए योजना बनाया है। तो ये सेना को कितने करेंगे, आधा कर देंगे श्रीलंका, ये एक योजना बनाया है और अपने सेना को कितने कर लेंगे, आधे कर लेंगे। आगे हैं 15 जनवरी 2023 को अंतताल नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला कौन सा राज्य पहला बन गया है। तो ये पहला राज्य है राजस्थान, ये क्या है अंधता नियंत्रण के लिए एक पॉलिसी लागू किया है और बात कर ले तो राजस्थान ये पहला राज्य बन गया है। आगे है 15 जनवरी 2023 को टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के रूप में भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा। तो ये मुंबई में स्थापित करेगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मैं इसे दो पार्ट में, आज 15 जनवरी तक आ गए हैं, आगे 15 जनवरी से कंटिन्यू करूँगा तो एक मंथ के दो वीडियो होंगे और आप यहाँ से क्वेश्चन आपको
छूटेगी नहीं। जितने भी इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, देश में जितने भी एग्ज़ाम होंगे ये पूरे देश में, यानी कि आपको दिसंबर तक ये वीडियो काम आएंगे। दिसंबर, लास्ट दिसंबर के बाद भी जितने एग्ज़ाम होते हैं, तो आप लोग को पता है 6 से 1 साल के जितने भी करेंट होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप इसे सेव कर लें और बार बार रिवाइज कर सकते हैं आप फ्री टाइम में। तो इसे हम 15-15 दिन का एक वीडियो लाएंगे, और जैसे कि 1 से 15 जनवरी हुए, जनवरी में 2 पार्ट में आएंगे, फिर फरवरी के 2 पार्ट, इस तरह से हम पूरे कवर कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और काफ़ी सारे पुराने वीडियो भी डले हुए हैं सारे टॉपिक वाइज, जो काफ़ी आपको यहाँ इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे साइंस के हों या अदर हो। तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।